नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षक नियोजन को लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द आएगा, चयन के लिए मिलेगा 2-2 दिन। जी हां, शिक्षा विभाग ने राज्य के नगर निकायों और प्रखंड नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियोजन के दौरान हुई काउंसलिंग में गड़बड़ी को देखते हुए अब नियमों में बदलाव किया है। आगामी 2 से 9 अगस्त तक दूसरे चरण के चयन में भी इन नियोजन इकाइयों में नियुक्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों के चयन के लिए 2-2 दिन मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नए नियोजन शेड्यूल को अंतिम रूप दे रहा है और जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। पूर्व से जारी शेड्यूल में संशोधन शिक्षक अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए किया जाएगा। दरअसल TET उत्तीर्ण कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही उत्तीर्ण हैं। ऐसे अभ्यर्थी क्लास 6 से 8 और क्लास 1 से 5 दोनों कैटेगरी में स्कूलों में नियुक्ति के लिए योग्यता रखते हैं। लकी अभ्यर्थियों की पहली पसंद मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति होगी, लेकिन जो इसमें चयनित नहीं हो पाएंगे वह प्राथमिक शिक्षक अवश्य बनना चाहेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई के नियोजन में भी नगर निकाय और प्रखंड नियोजन इकाइयों में 2-2 दिन काउंसलिंग के लिए रखे थे। इन दोनों श्रेणियों में स्कूलों के शिक्षकों के चयन के लिए 2-2 दिन तय किए जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर हुआ हंगामा, अधिकारियों को चैम्बर छोड़कर भागना पड़ा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पटना जंक्शन से जुड़ी हुई आ रही है। यात्रियों के हंगामे की वजह से रेलवे के अधिकारियों को अपना चैम्बर छोड़कर भागना पड़ा। घटना रविवार शाम की है। रविवार शाम प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित डिप्टी SS शिफ्ट और स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में लोगों ने घुसकर हंगामा किया है। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि ट्रेन डाइवर्ट किए जाने के बाद उन्हें सही ढंग से सूचना तक नहीं दी जा रही है। कार्यालय में यात्रियों ने हंगामा किया। वहीं डिप्टी SS के नहीं होने से यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में जाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं हो सकी। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी के यात्रियों ने आरोप लगाया है कि रेलवे की वजह से उनका सारा शेड्यूल खराब हो गया है। पटना से विक्रमशिला से दिल्ली जाने वाले यात्री भी परेशान हो रहे हैं। इन यात्रियों ने बताया कि यहां ट्रेन के डाइवर्ट होने के बाद अधिकारी फरार हैं, कोई सही ढंग से सूचना नहीं दे रहा है। पटना जंक्शन के पार्सल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन ट्रेनों का डाइवर्ट किया गया है उनके पार्सल के सामान पटना जंक्शन नहीं आ सके। इसमें कई लोग अपने पार्सल के लिए परेशान हो रहे हैं। कोलकाता से अकाल तख्त में पटना के लिए लोड हुआ पार्सल नहीं आ सका। इसी तरह भागलपुर से पटना के लिए लोड हुआ पार्सल भी डाइवर्ट होकर चला गया। बाकी ट्रेनों के पार्सल भी नहीं आने से परेशानी हुई। अब इनके पार्सल के लिए इंतजार करना होगा। यात्रियों को हंगामा देखकर अधिकारी चैम्बर से खिसक लिए। कैसे जीतेंगे जंग, पटना में 10 दिन से टीका एक्सप्रेस बंद। 16 जुलाई के बाद आगे नहीं बढ़ी है वैक्सीन की गाड़ी। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में कोरोना टीकाकरण अभियान को बड़ा झटका लग रहा है। पिछले 10 दिन से टीका एक्सप्रेस पर ब्रेक लगने के बाद वैक्सीनेशन का अभियान ठप पड़ गया है। फुलवारी शरीफ और दानापुर नगर परिषद में टीका एक्सप्रेस पिछले 16 जुलाई से बंद है। इन दोनों नगर परिषदों में टीका एक्सप्रेस से वैक्सीनेशन पहले से सुस्त था। टीका एक्सप्रेस जहां एक ओर पटना नगर निगम में तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और बड़ी संख्या में इसके द्वारा वैक्सीनेशन हो रही है, वहीं दूसरी ओर फुलवारी शरीफ और दानापुर नगर परिषद में टीका एक्सप्रेस पिछले 16 जुलाई से बंद है। अब इसके बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है और इलाके में वैक्सीनेशन अभियान भी प्रभावित हो रहा है। करीब 1.5 महीने से जिले में टीका एक्सप्रेस चलाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शनिवार तक के आंकड़ों के मुताबिक जिले में टीका एक्सप्रेस के द्वारा वैक्सीन की 2,02,692 डोज लगाई जा चुकी है। इसमें टीका एक्सप्रेस द्वारा दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में मात्र 8,744 डोज और फुलवारी शरीफ नगर परिषद में 5,544 डोज लगाई जा चुकी है। जाम की समस्या से अब मिलेगी मुक्ति, सांसद रामकृपाल यादव की पहल से कई योजनाओं को मिली स्वीकृति। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से जुड़ी हुई आ रही है। पटना के खेमनीचक, रामकृष्णा नगर और जगनपुर इलाकों में लगने वाली भीषण जाम की समस्या से अब लोगों को जल्द निजात मिलेगी। इसे लेकर 2 अंडरपास और 1 फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अक्टूबर महीने में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में शून्यकाल में इन इलाकों में लगने वाली भीषण जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का मामला उठाया था। बीजेपी सांसद की पहल से कई सड़क योजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। केंद्रीय राजमंत्री जनरल BK सिंह ने पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग
2021 के खेमनीचक रामकृष्णा नगर में अंडरपास और जगनपुरा के पास फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अक्टूबर माह में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में शून्यकाल में इन इलाकों में लगने वाली भीषण जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का मामला उठाया था। जाम की समस्या का काल और त्वरित हल के लिए फिलहाल 2 अंडरपास और 1 फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। अब अपने नजदीकी डाकघर में भी पासपोर्ट के लिए कर सकेंगे आवेदन, जानिए आसान प्रक्रिया। जी हाँ, अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अब आप अपने पास के डाकघर में भी आवेदन दे सकते हैं। इंडिया पोस्ट अब देश के कई डाकघर में पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट आवेदन जैसे कई सुविधाएं दे रहा है। इसके लिए आपको केवल डाकघर के कॉमन सर्विस सेंटर काउंटर्स पर जाना है। इंडिया पोस्ट ने इस सुविधा की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इसमें उसने लिखा है कि अब डाकघर के CSC काउंटर पर पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन करना और आवेदन करना सरल हो गया है। अगर आप डाकघरों में पहले से मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम पास के डाकघर में भी हो जाएगा। चुनाव के दौरान गायब रहने वाले मतदान कर्मियों पर होगा FIR। बिहार में पंचायत इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन का निर्देश। जी हाँ, बड़ी खबर, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं आयोग की ओर से लगातार नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आयोग ने एक निर्देश में कहा है कि चुनाव के दौरान गायब रहने वाले चुनाव अधिकारी और कर्मचारी पर पंचायती राज अधिनियम के तहत FIR किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मतदान दल के किसी भी सदस्य को बिना अनुमति के गायब रहने पर आयोग ने उनके विरुद्ध तत्काल निलंबन की अनुशंसा करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। यानी बिना बताए अगर मतदान दल के कर्मी गायब होते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज की जाएगी। प्रत्येक बूथ पर रहेंगी 4 EVM और 2 मतपेटिकाएं, 4 की जगह होंगे 6 पदाधिकारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों के 6 पदों के लिए चुनाव होना है। 4 पदों का चुनाव EVM के माध्यम से होगा, जबकि 2 पदों का चुनाव मत पत्र के माध्यम से होगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। आयोग के उप सचिव दिनेश कुमार ने इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को आदेश जारी किया है। पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत राज के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य सहित वार्ड सदस्य पद का चुनाव EVM के माध्यम से होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 बैलेट व 4 कंट्रोल यूनिट लगाए जाएंगे। वहीं ग्राम कचहरी सरपंच व कचहरी पंच का मतदान मत पत्र के माध्यम से होगा। इसको लेकर 2 मत पेटिकाएं लगाई जाएंगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ाए जाने का निर्देश आयोग ने दिया है। बिहार में राशन कार्ड बनाने के नाम पर हो रहा था फर्जीवाड़ा, पीड़ित ने लिखा सचिव को पत्र। जी हां, ऑनलाइन माध्यम से बने राशन कार्ड की डिटेल जानकारी लेकर जालसाज राशन कार्ड धारकों से राशि की मांग कर रहे हैं। जालसाज द्वारा राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड रद्द होने की धमकी भी दी जा रही है। इसी तरह एक शिकायत खाद्य विभाग के सचिव के पास आई है। शिकायत में कहा गया है कि PM योजना से राशि मिलने आदि का झांसा देकर कार्डधारी से फर्जी तरीके से राशि ऐठी जा रही है। झांसे में आने वाले से बैंक अकाउंट नंबर तक मांग लिया जा रहा है। खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साइट पर राशन कार्ड के लिए जमा होने वाले आवेदन के बाद तैयार राशन कार्ड के माध्यम से लोगों के मोबाइल नंबर पर ठगी की जा रही है। मोबाइल पर फोन करने वाला खुद को राशन विभाग का अधिकारी बताकर ठगे का काम कर रहा है। इसे लेकर वार्ड संख्या 48 के वार्ड पार्षद व निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य इंद्रदीप कुमार चंद्रवर्षी ने गृह विभाग व खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र दिया है। 2025 में अकेले दम पर बिहार में BJP बना सकती है सरकार, नीतीश सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। भाजपा से बड़ी दुनिया में कोई पार्टी नहीं। भाजपा ने जिस तरह का काम अपने कार्यकर्ताओं के बीच किया है वह किसी अन्य पार्टियों ने नहीं किया है। सोशलिज्म एक जमाना था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज PM मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हमसे बड़ी पार्टी पूरे देश में कोई नहीं है। राजनीतिक रूप से हम सब पर बड़ी राजनीतिक जिम्मेवारी भी है। ये बातें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने हाजीपुर में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कही है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा संगठन बनाइए
जिसमें हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर पर अब पार्टी को मजबूत करना है। कई संगठन कागजों पर भले ही हमसे मजबूत हो, लेकिन संगठन उनका नहीं है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो अखंड भारत का सपना देखा था, आज वह साकार हुआ है। 70 को हटाने में 70 वर्ष जरूर लगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जनता के अपार समर्थन के बल पर उसे उखाड़ फेंका। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की भी चर्चा की। केंद्रीय सरकार ने देश के 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की है। बिहार के गया में अवस्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में भी नए कुलपति की नियुक्ति की गई है। प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए वीसी होंगे। गौरतलब है कि प्रोफेसर हरीश चंद्र राठौर अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलपति थे। वे 2015 से ही ये कार्यभार संभाल रहे थे। अगले महीने उनका 6 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। उससे पहले केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देशानुसार नए कुलपति की नियुक्ति कर दी है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।